देखिए हमारे ये इंस्टेंट वड़े कितने बढ़िया बने हैं, और देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से देखिए इसका टेक्सचर दिखाती हूँ मैं, कितना बढ़िया आया है देखिए। खा के स्वाद आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चाहिएगा। दोस्तों आज इस नाश्ते को बनाकर आप जो बड़ा खाते हैं या कुछ और पकौड़े खाते हैं वो सब भूल जाएंगे, जिसके लिए मैंने पोहा लिया है, चावल लिए हैं, चना दाल ली है। इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके साथ हमें और भी इंग्रेडिएंट यूज़ करना है। गैस को ऑन कर लिया है मैंने और इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि हमारी ये दाल पीसने में कोई दिक्कत ना हो। इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा इसका कच्चापन दूर करना है। हल्का रोस्ट हो गया है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये चावल डाल देंगे। इसको भी ऐसे ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। चावल को बाद में डालना है, दाल पहले डालनी है, दाल मोटी होती है। अब इसके साथ ही हम पोहा डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसको मिक्सर जार में डालेंगे। पहले इसको सूखा पीसेंगे। ये हमारा ऐसे पिस गया है। अब हम इसमें अदरक, हरी मिर्च ये भी ऐड कर देंगे। कई घरों में अलग निकाल देते हैं तो इसलिए पीस करके डाल देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ खानी ज़रूरी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा दही डालेंगे। अगर छाछ हो आप छाछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, बस इतना आप डालिए। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के और पीस लेंगे तो ये छाछ का काम करेगी। छाछ में पानी ज़्यादा होता है ना, दही में कम होता है, सॉरी। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसको क्या करना है, साथ के साथ हमें नहीं बनाना है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि ये और अच्छा सॉफ्ट हो जाए दाल चावल पोहा। इसे हम बाउल में निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा और पानी मिक्स करेंगे। जैसे जैसे ये फूलेगा, ये टाइट हो गया ना तो और भी और फूलेगा ये, तो इसलिए आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है जितना आपको पसंद है। थोड़ा लाल मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची तो डाली हुई है, ना भी डालें तो भी अच्छा लगेगा टेस्ट। और थोड़ा सा ये सूखा धनिया, ये घर का बना हुआ है मेरा, इसको डालना है। थोड़ा सा जीरा, कच्चा जीरा, भुना जीरा नहीं, कच्चा जीरा डालना है। और थोड़ी सी हम डालते हैं हींग। हींग हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़रा सी निकालनी है, बहुत कम डलती है, थोड़ा सा फूल जाएगी तो अच्छा टेस्ट आएगा और पेट के लिए हमारी बहुत अच्छी होती है। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करके हम रेस्ट के लिए रख देंगे। कम से कम इसको आधा घंटा और नहीं तो 15 मिनट तो आपको ज़रूरी रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलिए इसको ढक करके रखते हैं, फिर बनाते हैं। बैटर चेक कर लेते हैं। हमारा आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया और हमारा सारा दाना अच्छे से फूल गया है। अब हम इसके वड़े बनाते हैं। We'll be right back.